साइज 2.4 है, जिसके अंदर आपको एक फैक्टराइजेशन थ्योरम है उसका यूज करना है, जिसके अंदर है द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन फैक्टर। अगर ये जो पॉलिनोमियल है उसका एक्स प्लस वन फैक्टर है, तो अगर जीरो ऑफ एक्स प्लस वन का निकाले तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होता है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन होता है। अब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है वो वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने से अगर आंसर जीरो आता है, तो ये जो फैक्टर थ्योरम है उससे हम बोल सकते हैं। तो देखो, मैंने पी ऑफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल लिखा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो जहां जहां एक्स था वहां माइनस वन लिखा, एक्स माइनस वन का क्यूब तो माइनस, माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये कट जाएगा तो जीरो आंसर आएगा। सो बाय द फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। इस तरह से हर एक एग्जाम्पल आपको देखना है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसके अंदर तो द जीरो ऑफ एक्स प्लस वन इज, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब उसका पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू फोर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन है, तो इधर हम रखते हैं पी ऑफ माइनस वन, तो माइनस वन रेस टू फोर प्लस माइनस वन रेस टू थ्री माइनस वन रेस टू स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन का इवन में पावर है, इसीलिए वो प्लस हो जाएगा, बराबर। इसका ओड पावर है, इसीलिए वो माइनस रहेगा, माइनस का तो वो भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, तो ये प्लस माइनस तो बचा क्या वन। अगर वन बचता इधर, वन नहीं बचता इधर, रिमाइंडर में वन बचता, इसका मतलब सो बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, क्या है तो एक्स फोर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, बराबर है। तो इस तरह से आपको तीसरा नंबर वाला और चौथा नंबर वाला भी एग्जाम्पल करना है। क्वेश्चन नंबर टू है, जिसके अंदर भी आपको जी ऑफ एक्स है इसका फैक्टर है कि नहीं वही देखना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन किया था उस तरह से ही करना है। तो इसके अंदर सो जी ऑफ एक्स, सो जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स इज, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं जीरो लिख सकता हूँ, जी ऑफ क्या है तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। और पॉलिनोमियल लिखते हैं तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस वन, तो पी ऑफ माइनस वन जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे माइनस वन। तो टू माइनस वन का क्यूब है इसीलिए वो माइनस में आएगा, माइनस वन का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू माइनस वन, तो टू माइनस वन माइनस टू वन, टू माइनस वन टू, टू गया वन, वन गया, यानी आंसर जीरो है। सो बाय फैक्टर थ्योरम कौन सा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। नंबर टू है तो जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स इज, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो,
एक्स प्लस टू है जीरो ऑफ एक्स की जगह पे, इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। अब पॉलिनोमियल कौन सा था, तो पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स प्लस वन। तो अब वैल्यू पुट अप करते हैं, पी ऑफ माइनस टू, तो माइनस टू क्यूब, जहां एक्स है वहां माइनस टू लिखना है, तो माइनस टू का क्यूब, तो माइनस एट प्लस थ्री, माइनस टू का स्क्वायर, तो प्लस में हो जाएगा फोर, प्लस माइनस माइनस थ्री टू जा सिक्स प्लस वन, तो माइनस एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस सिक्स प्लस वन। माइनस माइनस का एडिशन, एट और सिक्स फोर्टीन, ट्वेल्व और वन थर्टीन, यानी आंसर आया माइनस वन। सो बाय फैक्टर थ्योरम, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज नॉट फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल कौन सा है, तो पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। और इस तरह से आपको थर्ड एग्जाम्पल और फोर्थ भी एग्जाम्पल करना है। ऐसे हाँ बोल दिया है कि x माइनस वन फैक्टर है, बराबर है, तो आपको k की वैल्यू हर एक में फाइंड करनी है। तो x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सो जीरो ऑफ x माइनस वन इज, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वन, वो हम इसमें रखते हैं, तो p ऑफ वन इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x है उसका, तो उसका जीरो निकाले, तो जीरो की वैल्यू इसमें रखेंगे हम, तो आंसर जीरो ही आएगा क्योंकि उसका फैक्टर है। अभी देखो p ऑफ x, x की x का वन का स्क्वायर वन प्लस के इक्वल टू जीरो, तो वन प्लस वन के इक्वल टू जीरो, तो टू प्लस के इक्वल टू जीरो, तो k इज इक्वल टू माइनस टू, तो k की वैल्यू मिल गई। इस तरह से सेकंड करते हैं, x माइनस वन इसमें भी फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सो x माइनस, सो जीरो ऑफ x माइनस वन इज, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वन, तो p ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इधर p क्या है, p तो x की जगह पे वन लिखना है, तो टू वन का स्क्वायर के वन प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो टू वन का स्क्वायर वन, के वन वन और अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो टू वजा टू प्लस के प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, तो के इज इक्वल टू टू और रूट टू उस साइड जाएगा, तो माइनस टू माइनस रूट टू, इसको इस तरह से भी लिख सकते, माइनस कॉमन निकाले टू प्लस रूट टू, तो आपको एक के की वैल्यू मिल गई। अब थर्ड नंबर है, इसके अंदर भी एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, सो जीरो ऑफ एक्स माइनस वन इज, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू वन, तो पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, तो के वन नो स्क्वायर अंडर रूट टू वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो के वन का स्क्वायर तो वन होगा, रूट टू और वन तो रूट टू आएगा, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो के इज इक्वल टू रूट टू उस साइड जाएगा, तो प्लस हो जाएगा वन माइनस, तो आपको मिल गई के की वैल्यू।
इस तरह से आपको फोर नंबर वाला खुद से कर देना है। इसमें देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स का मैक्सिमम पावर टू है बराबर। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैक्सिमम पावर टू है तो बहुत सारी मेथड है उसके लिए। एक तो स्पेलिंग वाली मेथड है या फिर स्प्लिट द मिडल टर्म है। तो इधर हम यूज करेंगे स्प्लिट द मिडल टर्म। तो किस तरह से करना है मैं आपको उसकी जनरल मेथड बता देता हूँ, वो आपको स्टैंडर्ड 9 और 10 दोनों में काम आएगी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तब। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है साइन के साथ, तो मैं लिखता हूं साइन के साथ +12। और कोई कॉन्स्टेंट टर्म कितना है तो मल्टीप्लाई करता हूं वो भी साइन के साथ तो +1 है। तो 12 बन जा 12 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो +12 ही आएगा। क्यू प्लस तो दोनों की साइन प्लस है। अभी ये प्लस साइन आई तो उसका मतलब सेम साइन आएगी, या तो प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा। अब ये दो साइन में से कौन सी साइन सिलेक्ट कर लेंगी, तो मिडल साइन कौन सी है माइनस है इसीलिए ये माइनस वाला। अब आपको पता है अगर इक्वल साइन है तो वो क्या होता है एडिशन होता है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो एडिशन करके 7 लाना है और मल्टीप्लिकेशन करके 12 लाना है। तो मल्टीप्लिकेशन 12 आता है तो आपको पूरा टेबल में देखो कि 12 किस में आता है। तो 1 12 जा भी 12 होता है, 2 6 जा भी 12 होता है, लेकिन इन दोनों का एडिशन करो 12 और 1 तो 13 होता है, 6 और 2 तो 8 होता है, इधर 7 चाहिए, 3 4 जा तो 12 होता है, इधर 3 और 4 का 3 + 4 करोगे एडिशन बोला है तो 3 + 4 करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब आपकी जोड़ 3 और 4 लेनी है यानी। और साइन तो पहले से फिक्स है माइनस माइनस, तो इसका मतलब -3x - 4x = -7x होता है। तो अभी मैंने इधर ये जो मेथड है वो अगर पहले आपको नहीं आता तब करनी है, बाद में तो आप खुद से ऐसे ही डायरेक्ट ही कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये जनरल मेथड बता दी कि किस तरह से करना है। थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो 12x² - 7x + 1 लिख देता हूं, आपको तो फैक्टर निकालने का इक्वल टू, तो 12x² - 4x - 3x। और इधर एक खास ध्यान रखो कि पहले बड़ा और बाद में छोटा नंबर लेंगे +1। तो देखो 7 की जगह भी ये लिख दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 4x निकलेगा, तो बचा क्या 3x - 1। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता उसका मतलब 1 तो निकलेगा और ये माइनस है इसीलिए -1 निकाला, तो अंदर की साइन प्लस की जगह पे माइनस, तो ये सेम सेम आ गए दोनों। अब ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3x - 1 है तो उसको निकाल दिया, तो बचा क्या 4x - 1। तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए इसके। इस तरह से हम दूसरा देखते हैं, (2x²+7x+3)। तो उसके अंदर भी ऐसे भी मेथड बता था, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है +2 है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म कितना है +3 है, तो 3 + 6 दोनों की प्लस साइन है इसीलिए प्लस। अगर प्लस आता है तो सेम साइन प्लस प्लस या माइनस माइनस आता है। अब मिडल टर्म कौन सा है प्लस है इसीलिए प्लस वाला लेंगे। अगर प्लस लेते हैं तो एडिशन होता है, तो एडिशन करके 7 लाना है और मल्टीप्लिकेशन करके 6 लाना है, तो आगे भी 6, तो उसका भी हम टेबल बोलेंगे। तो 1 6 6 होता है, देखो 6 और 1 का एडिशन करो तो 7 आ जाता है उसका मतलब, और दोनों की साइन प्लस, तो 6x + x = 7x ये जोड़ आएगी। तो इधर लिख देते हैं
2x स्क्वायर 7x प्लस 3, तो 2x स्क्वायर 7 की जगह पे 6x x प्लस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, तो 2x निकलेगा, तो इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा तो 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस साइन है तो प्लस 1 निकालेंगे, तो बचा क्या x प्लस 3, वही का वही, साइन भी चेंज नहीं होगी क्योंकि प्लस 1 निकाला, इधर माइनस 1 निकाला था इसीलिए प्लस की जगह पे माइनस आया था। अब ये पूरा एक टर्म, ये टर्म, इन दोनों में क्या है कॉमन, तो x प्लस 3, तो बचा क्या इधर 2x, इधर क्या बचा प्लस 1, तो ये हो गए उसके फैक्टर्स, बराबर है। इस तरह से तीसरा एग्जांपल, इस तरह से तीसरा देखते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वाले, बराबर है, वही है फैक्टर्स, किसके भी फैक्टर्स निकालने हैं आपको, बराबर है। तो इसके अंदर भी देखो 6 है तो प्लस 6 लिया, कांस्टेंट माइनस 6 है तो 6 6 36, और प्लस माइनस माइनस आया। अब देखो साइन कौन सी आई, माइनस आई, अगर माइनस साइन आती है तो ऑपोजिट साइन प्लस माइनस या माइनस प्लस आता था, इधर देखो प्लस साइन तो सेम साइन है, इधर भी प्लस साइन तो सेम साइन है, लेकिन इधर माइनस है इसलिए प्लस माइनस या माइनस प्लस इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन इधर प्लस है तो पहले ले लेंगे प्लस। अगर प्लस माइनस करते तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन करके 5 लाना है और मल्टीप्लीकेशन करके 36 लाना है, बराबर है। तो 36 जिसमें आता है वो सब टेबल आपको बोलना है, जिसके अंदर आपको डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करके 5 लाना है, तो 6 इज 36, इन दोनों सब्ट्रैक्ट 0 होता है, 4 9 जा 36 और 9 में से 4 जाएगा तो 5 भी आ जाएगा, इसका मतलब। अब देखो पहले के लिए बड़े वाले की साइन, यानी 9x पहले लिखो, इधर 4x लिखो, तो आंसर मिलेगा आपको 5x, तो ये जोड़ आपको मिल जाएगी। तो इधर लिखते हैं 6x स्क्वायर 5x माइनस 6, तो 6x स्क्वायर 5x की जगह पे 9x 4x माइनस 6, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 3x, तो क्या बचा 2x प्लस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, तो माइनस 2 निकलेगा, माइनस है नहीं ये इसीलिए माइनस निकाल दिया, 2 निकाला तो बचा क्या 2x। अब प्लस की जगह पे माइनस साइन बाहर निकली है तो प्लस माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, तो अब क्या कॉमन है तो 2x प्लस 3 है, तो बाकी क्या बचा 3x माइनस 2, तो आपको इस तरह से कर देंगे। अब लास्ट वाला है वो मैं करवा देता हूं, 4 नंबर कौन सा है, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो इसके अंदर भी देखो प्लस 3 है मल्टीप्लाई माइनस 4 है, तो 4 3 12 और माइनस साइन, माइनस साइन है तो प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा, अब मिडल साइन कौन सी है माइनस, तो ये ले लो, इसका मतलब अब आएगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ऑपोजिट साइन है, पहले की साइन माइनस ही रखेंगे दूसरे की प्लस आएगी। अब आंसर कितना लाना है, एक्स के आगे कितना होता है 1, यानी आपको सब्ट्रैक्शन करके 1 लाना है और मल्टीप्लीकेशन 12 होना चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन तो पता है 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा ना, तो पहले की साइन माइनस यानी माइनस 4x प्लस 3x, तो आंसर आपको मिला माइनस x मिल जाएगा, और माइनस 4
मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो -12 भी आंसर आ जाएगा, जो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला ये आ जाएगा। तो इधर 3x2 x-4, तो 3x2 x की जगह पे 4x प्लस 3x माइनस 4। अब दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, तो x ही निकलेगा, तो x निकाला तो 3x माइनस 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकलेगा, ये प्लस है इसलिए प्लस 1, तो बचा क्या 3x माइनस 4। तो क्या आएगा इधर 3x माइनस 4 कॉमन निकाला, इधर क्या बचा 3x बचा, और इधर 3x 4 कॉमन निकला तो क्या बचा प्लस 1, तो प्लस 1। तो इस तरह से आपको फैक्टर्स निकालने हैं। ये मैंने मेथड यूज की है जिसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट द मिडल टर्म, मिडल टर्म के दो भाग कर दिए, मिडल टर्म है उसके दो भाग बना दिए मैंने।